जीवन चलेगा नाम चलते रहो सुबह शाम दुनिया। अरे भैया जीवन चलेगा नाम गीत जाएगा अम्मी जान हमें थोड़ी सी रुई दे दीजिए, नहीं तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। बरखुरदार, लेकिन पहले हमें ये बताइए बाहर कौन गधा चिल्ला रहा है? गधा? वो तो फिर भी सुर में चिल्लाता है, ये तो हमारे अब्बू जान है जो ऐसे भयानक आवाज में। अब्बू जान? अरे मियां, हमने तो इन्हें मना किया था गाने के लिए, ये फिर से गाने लगे। जी अम्मी जान, ये दबी हुई चिंगारी उस कवि अंकल ने आकर भड़काई है। खुदा कसम, जी करता है इन दोनों को रस्सी से बंधवाकर किसी दूसरे मुल्क में फेंकवा दें। कोई फायदा नहीं, उसका भी कोई फायदा नहीं। अब्बू जान की आवाज सुनकर वो लोग उन्हें वापस यहीं फेंकवा देंगे। तो बेटा हुजूर, आप ही हमें बताइए कि हम इनका क्या करें। अम्मी जान, आप अपना वो हथियार लेकर आइए और इन दोनों के सुरताल पर लगाम लगाइए। बेटा हुजूर, कौन सा हथियार? अरे अम्मी जानों का खासम खास शौहर सुधार हथियार, हमारा मतलब है बेलन। बेलन? वाह मेरे नूरे चश्म, वाह क्या राय दिए हैं। हम अभी जाते हैं और इन दोनों का डीजे बंद करवा कर आते हैं। हाँ तो जनाब रस्तोगी जी, जे बताइए कि हमारी जे वेस्टर्न कंपोजिशन कैसी लगी आपको? आहा, अति उत्तम श्रीमान। वैसे मुझे समझ नहीं आई, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा संगीत संगीत की दुनिया में भूचाल ला देगा। माशाल्लाह। अम्मा, आपने हमारी मना करने के बाद फिर गाना गाया? आ गानी रे बेगा, हम तो गुनगुना रहे। अगर आप फरमाइश करें तो आपके लिए गाना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए वरना हमें जान लीजिए, कोई जरूरत नहीं है गाना गाने की। अगर गाना गाना हो ना तो जाकर स्टूडियो में गाना गाइए। घर में गाना गाया तो हम आग। आग? क्या आग में जलकर मर जाएगी? अम्मा हम क्यों मरेंगे, आग लगाएंगे आपके इस मुंह हारमोनियम को। लाहौल वाला कुवत नवाब वाजिद अली शाह के जमाने से हमारे बाप दादा उनके वालिद और अब्बू ने इस हारमोनियम को अपने जिगर का टुकड़ा माना है और आप इस हारमोनियम के साथ ऐसी बदतमीजी का सलूक कर रही है। अब बेगम साहिबा लाहौल विलाकुवत, अबे दो कौड़ी के नौकर, तेरी निकाह करने की तो औकात नहीं है, हमारी बीवी को अपनी बेगम बना दे। और गुस्ताखी माफ हुजूर, अरे मालकिन आप हारमोनियम को आप बिल्कुल मत जलाना, नवाब साहब को भले ही जला देना। हैं? अबे क्या बोल रहे हैं? मेरा मतलब है हुजूर, आपकी रूह तो उस हारमोनियम में बसती है ना। बेगम साहिबा एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ना तो आज हम आपके बेलन से और ना ही आपसे खौफ खाएंगे, रोजाना यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। क्या कहा? मालकिन नवाब साहब ने आपकी शान में गुस्ताखी की है, जंग का ऐलान कर दिया। बरखुरदार आप फिक्र मत कीजिए, हम भी लक्ष्मी बाई बनकर इनकी बगावत का पूरा पूरा जवाब देंगे। हाँ। सर, जूली जूली देखो मेरे जेल का सेट तैयार हो गया, मगर मुझे अभी तक वो क्या कहते हैं उस एक्टर कम सिंगर नहीं मिला। अगर मुझे जल्दी से नहीं मिला तो मैं इसी जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या करके मर जाऊंगा। नहीं सर, ऐसा मत करना। अच्छा तो फांसी कैंसल। थैंक यू सर। रिहर्सल शुरू। जीवन चलेगा नाम चलते रहो सुबह शाम।
कोई शक यही है दुनिया। अरे भैया जीवन चलेगा ना।